morning students, welcome to MCTS online classes. How are you? Okay, I hope you all are well and fit. So today we will read part 4 of chapter number 1. Okay, this is last part. Topic is how nutrients are replenished in the soil. Yani ki jo plants hote hain ya न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर वापस से कैसे आ जाते हैं. लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स ले लेते हैं, फास्फोरस को, नाइट्रोजन को, सबको, तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एंड हो जाना चाहिए. तो ये वापस से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं इसके लिए आज हम इस वीडियो में या इस चैप्टर के पार्ट 3 में पढ़ेंगे. सो रीड द चैप्टर. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields? आप लोगों ने देखा होगा कि जो farmers होते हैं वो हमेशा field में अपने खेतों में कुछ खाद और fertilizers को डालते हैं. और gardeners using them in lawns or pots. और आपने gardeners को यानी माली को भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, गमलों के अंदर या lawn के अंदर खाद को और fertilizers को डालते हैं. Do you know why? ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या आपने कभी सोचा? Yes. You learn that plant absorb minerals and nutrients from the soil. आपने खुद ही पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट सॉइल से क्या ले लेती है, वाटर ले लेती है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक उनको पहुंचाती है. तो इसीलिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एंड हो जाता है. एंड करने होने के बाद सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. इसीलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है. जैसे ही हम लोग मिलाते हैं वो हमें सारी चीजें मिल जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. आगे के इस पॉइंट में लेट्स सी प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड मैटर्स फ्रॉम द सोइल. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा. जैसे हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाते हैं. So their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to enrich the soil. जो हमें time to time मिट्टी के अंदर मिलाना चाहिए जिससे nutrients की कमी नहीं हो सके. We can grow plants and keep them healthy if you can fulfill the nutrients requirement of plants. अगर हम time to time fertilizers को और manures को सॉइल के साथ मिक्स करते रहेंगे तो प्लांट्स के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी. यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिपेंडेंट नाइट्रोजन. ज्यादातर आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को लेना भी लेते हैं. नाइट्रोजन गैस भी उनको चाहिए होगी, वो कहाँ से मिलेगी? यू ऑल आर नोस दैट नाइट्रोजन इज इन द एयर. सो यू लर्न दैट थ्रू अ नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लेनेट इन द एयर प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन कार्बन डाइऑक्साइड. और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्लांट्स एयर से नाइट्रोजन नहीं लेकर क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. आप पहले की क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सुटेबल फॉर्म, क्योंकि उनको नाइट्रोजन एक सुटेबल फॉर्म्स में चाहिए होती है और उनको डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into the usable form. इसके लिए क्या होता है, rhizobium जो bacteria होता है उसको हम rhizobium bacterium कहते हैं. This point is called rhizobium can take atmospheric nitrogen. वो atmosphere से nitrogen लेता है और उसको किसमें convert कर देता है, usable form, एक usable form में convert कर देता है जिससे कि plants उसको easily अपने लिए ले सकते हैं. Then बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड. आप जानते हैं राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है. बिकॉज क्यों, आप लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज राइजोबियम है नो क्लोरोफिल. बट राइजोबियम कैन मेक इट्स ओन फूड. सो इट पपन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीस एंड मूंग बीन्स एंड अदर लिगमेंट्स एंड द प्रोवाइड्स फ्रॉम द नाइट्रोजन. वो क्या करता है, जितने भी पल्सेस टाइप होते हैं दाल चना मूंग वगैरह उसकी रूट्स के अंदर रहता है और उसके साथ में उसको नाइट्रोजन देता रहता है और वो प्लांट्स उसको रिटर्न में क्या करते हैं, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और प्लांट्स उसको फूड देते हैं और उसको जगह देते हैं. इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक. शायद आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे सिम्बायोटिक.
supporting relationship. This association of the great significance for the farmers, जो कि farmers के लिए बहुत सही रहता है, अच्छा रहता है. They can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous, जहाँ पर इस तरीके के plants होते हैं वहाँ को उनके farmers को nitrogen से जो nitrogen के साथ mix जो fertilizers होते हैं ये manure होते हैं use नहीं करना पड़ता है. Most of the plants, it means दाल, जितनी भी दाल होती है are obtained from leguminous plant. ये सारे leguminous plants के अंदर आते हैं. In the chapter you learn, okay? In the chapter you learn, आपने क्या सीखा? The most of the plants are autotrophs. आप पहले पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर जो plants होते हैं वो autotrophs होते हैं. Only a few plants are parasitic और कुछ plants parasitic होते हैं जो कि दूसरे plants से अपने food को लेते हैं. And saprotrophic, then saprotrophic आपको मैं बता चुकी हूँ जो कि अपने मरे हुए खाने से decompose करके उसके अपना खाने को लेते हैं. The derived nutrition from the organisms of any animals are categories and heterotrophs since they depend on plants and other animals of food. Can you want to say the herbivorous plants are the fashion heterotrophs? यानी कि हम लोग पहले सब चीज पढ़ चुके हैं. कुछ plants जो होते हैं they have chlorophyll so they can food on themselves, but some plants they have not chlorophyll, so they depend on the other plants. Okay, some animals also, animals and human beings also depends on plants. Okay.